ये एम मास का ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है, यहां से हमने रिलीज किया इसको। ये हाइट जो है, ये वाली हाइट, अब इसको एच मान लीजिए, आवाज मत करिए प्लीज। इस हाइट को एच मानिए, यहां से हमने इसको रिलीज किया। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को एक बार एनालाइज करो। व्हाट डू यू मीन बाय रिलीज? रिलीज मतलब ये अगर नीचे आ रहा है ना, तो ये अपने एमजी की वजह से नीचे आ रहा है, हम इसको नीचे नहीं ला रहे हैं, तो ये अपने वेट की वजह से नीचे आ रहा है। अब जब जैसे ही ये यहां आएगा इस लेवल के ऊपर, तो यहां से इसी कोई वेलोसिटी वी होगी, जब ये इस वेज को छोड़ देगा, जब ये नीचे फिसल के आएगा, तो यहां से ये वी वेलोसिटी से इस ब्लॉक को छोड़ेगा। ये कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एम व्हेन इट लीव्स कॉन्टेक्ट विद द वेज। फाइंड फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एम व्हेन इट इज अबाउट टू लीव द वेज, अबाउट टू लीव द वेज। हिंट सुन लीजिए, सबसे पहला स्टेप वन। अभी देखो, इस चैप्टर में आपने दो चीजें सीखी, लास्ट चैप्टर में वर्क पावर एनर्जी में सबसे मेन क्या था? वर्क एनर्जी थ्योरम। और इस चैप्टर में सबसे मेन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर आपको थोड़ा सा याद है, ई आई बराबर ई एफ, ये वर्क पावर एनर्जी का काम था। डन। उसके बाद डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा के ई भी उसी का एक फेस था। हम इसको ये भी लगा सकते हैं, जब कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं तो ऐसा लगता है, और जब डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव होता है तो ई एफ माइनस ई आई लगता है। तो इसका मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम तीन तरीके से लगती है, कंजर्वेटिव में ऐसे लगती है, मेन ये होती है, नॉन कंजर्वेटिव में ऐसी लगती है। और मैंने आपको कहा था सबसे पहले पी आई बराबर पी एफ लगाओ, मतलब मोमेंटम, और उसके बाद स्टेप नंबर टू के अंदर, स्टेप नंबर टू में ई आई बराबर ई एफ लगा दो। क्या समझाया था? जब भी तुम पी आई बराबर पी एफ लगाते हो तो वेलोसिटी निकल के आती है, और उस वेलोसिटी को इस इक्वेशन में भर दो। नेचुरल मेथड, कुछ भी रटना नहीं है। स्टेप नंबर वन हमेशा पी आई बराबर पी एफ, और सेकेंड स्टेप ई आई बराबर ई एफ। इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, निकाल के दिखाना। पॉज करो इसको, 2 मिनट दो। ये मतलब जब ये यहां से छोड़ रहा है, इसको बताना छोटा एम कितनी स्पीड से जा रहा है, सॉरी वी से, कितने से जा रहा है? वी से। और तुम्हारा बड़ा ब्लॉक कहाँ जा रहा है? पीछे। पीछे मतलब नेगेटिव, इधर सब पॉजिटिव, इधर सब, तो इसका मतलब माइनस कैपिटल एम वी, सॉरी यू था क्या? यू था। ये क्या है? यू। क्या करना है? पी आई बराबर पी एफ करना, बराबर यू निकालना यहां से, करो यू निकालो यहां से। तो एम वी माइनस कैपिटल एम यू इक्वल्स टू 0, और यहां से यू निकालोगे तो एम वी बाय में कैपिटल एम। हाँ या ना? ई आई बराबर ई एफ कौन लिख सकता है? बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। बोलो, जब ये यहां है, यहां तुम रेफरेंस इसको मान लो, इसको रेफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए क्या चाहिए? आवाज नहीं आई। रेफरेंस, रेफरेंस मतलब इससे कितना ऊपर है एच। यहां की एनर्जी देखो, बताओ क्या है इसमें? कौन कौन आता है? काइनेटिक इनिशियल, यू इनिशियल, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसमें कौन आता है? काइनेटिक फाइनल प्लस यू फाइनल। बोलो काइनेटिक इनिशियल कितनी है, यू इनिशियल कितनी है? छोटा एम जी एच, सही है। इसकी काइनेटिक फाइनल बताना कितनी कितनी आएगी? ये हाफ एम कितना है? वी का स्क्वायर। और ये पीछे कितने से जा रहा था? हाफ एम यू स्क्वायर, तो प्लस हाफ एम यू स्क्वायर। क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है कभी? नो। क्यों नहीं? मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और वी स्क्वायर जो आएगा वो कभी नेगेटिव आएगा नहीं। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती। तो यहां पे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, तुम्हारा ये डिब्बा कहाँ आ गया? रेफरेंस पे ही आ गया। रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। तो ये पोटेंशियल एनर्जी 0 आ गई। क्या तुम्हारे पास यू की वैल्यू वी की टर्म में है? यहां भर दो, वी निकाल के दिखाना यहां से कितना आएगा। डू इट फास्ट। यहां से सिंपल कनेक्टिविटी के लिए क्वेश्चन दिया है, लास्ट क्लास को कनेक्ट करने के लिए।
वी की वैल्यू आ रही है रूट 2gh 1 प्लस स्मॉल m बाय में कैपिटल m, यार रूट 2gh बाय में 1 प्लस स्मॉल m बाय में कैपिटल m, क्या लगाया मैंने, pi बराबर pf, ei बराबर ef। कई बार आपको बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है, सर हमारे को समझ में ही नहीं आ रहा क्या कॉन्सेप्ट लगाएं, यार कॉन्सेप्ट हैं कितने जो लगाओगे, पीआई बराबर पीएफ, ईआई बराबर ये, बार बार चीजें लग रही है। पहला स्टेप ये क्या समझाया, जब भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे वहां से वेलोसिटी निकल, वो तुम्हें ईआई बराबर ईएफ में भरनी, बात समझ में आई। हेडिंग डालिए लास्ट टॉपिक ऑफ सेंटर ऑफ मास, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स। बनाइए M1, M2। ये देखो किस किस को याद है स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम की कहानी, नेचुरल लेंथ क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय नेचुरल लेंथ, जहां पे तुम्हारा स्प्रिंग ना तो दबा हुआ है ना खिंचा हुआ है, ना कंप्रेस्ड है ना स्ट्रेस पे है, इसका मतलब ये नेचुरल लेंथ ऐसे थी, ये कहां था, यहां था, मतलब पहले स्प्रिंग यहां था, तुमने क्या किया इसको दबा दिया ऐसे, मतलब टोटल लेंथ कितनी थी इसकी, एल नॉट, डन। मैंने क्या किया, इधर से इसको यहां ले आया और कितना दबाया मैंने, X1, और इधर से कितना दबाया, X2। अब जैसे ही मैं इसको यहां लाके छोड़ूंगा, क्या ये वापस अपनी नेचुरल लेंथ पे जाएगा कि नहीं जाएगा, उतारने से पहले कॉन्सेप्ट सुनिए। मैंने कहा मैंने इसको ऐसे दबाया और यहां आके छोड़ दिया, और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा क्या ये अपनी नेचुरल लेंथ पे वापस जाएगा, जाएगा। तो जब ये नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा वापस आते हुए, तो यहां इसकी कितनी वेलोसिटी होगी और यहां इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, दैट इज द क्वेश्चन। मतलब ये इसकी नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ, मैंने इसको कितना दबाया, X1 और X2, राइट, सिर्फ यही बताना है, फाइंड X1 एंड X2 एंड स्पीड एट नेचुरल लेंथ, फाइंड X1 X2 एंड वेलोसिटी एट नेचुरल लेंथ, ट्राई करो। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, जहां पे मैंने सेंटर ऑफ मास का एक टॉपिक शुरू किया था जिसमें मैंने कहा था मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है आपकी कॉपी में, ये याद करो, मैंने कहा था एक VCM होता है, एक ACM होता है, RCM हम निकाल के आए थे, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और याद करो मैंने वहां पे एक डायग्राम बनाया था जिसमें मैंने एक ये ब्लॉक लिया था, एक ये ब्लॉक लिया था, इधर एक F1 लग रही थी, एक इधर F2 लग रही थी, और मैंने कहा था कि ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं और ये एक ही लाइन में लग रही हैं, तो नेट फोर्स कितनी आई, जीरो आई। और याद करो मैंने कहा था जब एफ नेट जीरो होता है तो एक्सेलरेशन तो वहां पे आएगी ही नहीं, जहां फोर्स नहीं है वहां एक्सेलरेशन नहीं है, तो जहां ऐसा नहीं है, मतलब जब ऐसा है ए इक्वल्स टू जीरो है, क्या वहां पे M1x1 = M2x2 था या नहीं, मैंने इसकी एप्लीकेशन कराई थी। यहां पे देखना ये जितनी फोर्सेस, ये इधर हमने जो लगाई थी, क्या एक KX उधर नहीं लगाएगा, इस पे फोर्स कौन लगाएगा, स्प्रिंग लगाएगा, इस पे कौन लगाएगा, स्प्रिंग लगाएगा, तो वो एक्चुअल में वो बराबर लगा रहा है, तो हम यहाँ पे इसको किस में लेके चल रहे हैं, एफ नेट जीरो। आपको लगेगा सर ये मास M1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट X1 माना है, इसका X2, ये M2, सब अलग अलग है, तो हाउ कैन यू कंसिडर कि ये दोनों सेम फोर्स लगाएं, हम कह रहे हैं कि ये स्प्रिंग इस पे फोर्स लगा रहा है, और अगर मैं एफ नेट जीरो लेके सवाल करूं, एफ नेट जीरो, तो मैं M1x1 = M2x2 लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं, लगा सकता हूं। तो यहां पे इसने M1 दिया है, M1 की वैल्यू दी है M और M2 की वैल्यू दी है 3M, लगा के दिखाना कितना आएगा। अच्छा एक चीज और सुनिए, अभी मैं मान लेता हूं मेरा टोटल कंप्रेशन कितना हुआ है, थोड़ा सा लेंथी है, एक बार ध्यान से सुनिएगा, यहां से कितना कंप्रेशन हुआ X1, यहां से कितना हुआ, टोटल कितना हुआ X1 प्लस X2, इसका मतलब L नॉट में से कितना घट गया। तो मैंने क्या किया, मैंने X नॉट मान लिया और ये X1 प्लस X2 के बराबर मान, तो अभी इसकी जो लेंथ रह गई है वो कितनी रह गई,
एल माइनस एक्स नॉट रहेगी, आया ना। तो यहां से एक्स नॉट इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू, ये जो मैंने एम वन लगाया मास कितना था यहाँ पे एम, ये कितना है एक्स वन, ये कितना था थ्री एम, ये क्या है एक्स टू, तो एम से एम कैंसिल, तो क्या एक्स वन की वैल्यू कितनी आ रही है थ्री एक्स टू, इजंट इट। क्या वहां यूज कर सकते हो इसको, भर के दिखाना कितना आ रहा है, जल्दी करो एक्स नॉट की टर्म में बताओ टोटल कंप्रेशन, नॉट की वैल्यू एक्स वन की वैल्यू बोलो थ्री एक्स टू प्लस में एक्स टू, कितना आया एक्स नॉट इक्वल्स टू फोर एक्स टू, तो यहां से एक्स टू कितना आ रहा है एक्स नॉट बाय फोर आ रहा है। जब टोटल कंप्रेशन एक्स नॉट था और एक कंप्रेशन एक्स नॉट बाय फोर है तो दूसरा कितना आएगा थ्री एक्स नॉट बाय फोर, कोई प्रॉब्लम। क्या क्वेश्चन का पहला पार्ट समझ में आ रहा है, यहां पे जब भी स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम आए, ये वैसे मैंने क्यों लगाया ये कौन बताएगा, देखो बहुत सारे बच्चों को यहाँ डाउट हो रहा है, इसका इसका आंसर सुनिए। मैंने कहा था जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो उसे रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, ये इस पूरे चैप्टर का बेस था। मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे माना, वो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, मैंने बाद में भी सेंटर ऑफ मास को रेस्ट में रखना चाहा, मैंने ऐसा लिखा। जब रेस्ट पे है तो इसका मतलब क्या, एफ नेट क्या है जीरो, और जब एफ नेट जीरो तो मैं एम वन एक्स वन इक्वल टू एम टू एक्स टू लगा सकता हूं। मेरे इस पूरे सिस्टम में कितने मास हैं, दो, एक एम वन एक एम टू, तो जैसे ये पहले थे ये अभी वैसा ही रहना चाहते हैं, इसलिए वैसा रखने के लिए ये कितना डिस्प्लेस हुआ एक्स वन, और वैसा ही रखने के लिए ये कितना डिस्प्लेस हुआ एक्स टू, सो दैट इज एम वन एक्स वन इक्वल टू एम टू एक्स टू। समझ में आ रहा है, पहला एक्स वन एक्स टू समझ में आया, ये मैंने किसकी टर्म में दिया, क्वेश्चन नहीं है ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लिखना इसके ऊपर। पहला पार्ट मैंने ऐसे समझाया कि जिसमें टोटल कंप्रेशन कितना मान लिया एक्स नॉट मान लिया, नेक्स्ट कौन बताएगा कैसे करेंगे, मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी एट नेचुरल लेंथ मतलब वी वन और वी टू निकालने, क्या लगाओगे, मोमेंटम कंजर्वेशन पी आई बराबर पी एफ लगा के देखो, ई आई बराबर ई एफ दोनों लगाने हैं, करो जल्दी, क्या ये दबा हुआ है, दबे हुए स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होती है, यस yes. कितनी हाफ के एक्स स्क्वायर, अब ये कितना दबा हुआ है टोटल एक्स नॉट, टोटल कितना दबा हुआ है ये, तो अभी इसके पास कितनी एनर्जी है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, तो इसका मतलब इसके पास स्टार्टिंग में हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है। जब ये वाला मास वापस यहां आएगा और ये वाला वहां जाएगा तो क्या स्प्रिंग कंप्रेस्ड रहेगा, नहीं रहेगा, इसका मतलब वो सीधा नॉर्मल लेंथ में आ गया, तो यहां जाके इस डिब्बे की वेलोसिटी कितनी हो गई, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी कि काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो इसके पास इक्वल्स टू इसके पास आ गई हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस उसके पास कितनी आई हाफ थ्री एम इंटू वी टू स्क्वायर, ये बन गई इक्वेशन। मैं इक्वेशन बनानी सिखा रहा हूं, इक्वेशन बनाते कैसे हैं, दबा हुआ है इसके पास इतनी एनर्जी है, जब ये नेचुरल लेंथ पे जाएगा तो उस टाइम पे कोई कंप्रेशन नहीं होगा, नहीं होगा तो कौन सी एनर्जी होगी उनके पास, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी वन स्क्वायर और हाफ थ्री एम वी टू स्क्वायर, क्लियर है यहां तक। अच्छा ये कौन था, एनर्जी कंजर्वेशन, अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं इसका मतलब पी आई बराबर क्या करेंगे, बहुत सिंपल, स्टार्टिंग में कहाँ है ये रेस्ट पे, आराम से है ये, यहां पे मैंने छोड़ दिया इसको, छोड़ दिया तो ये मोमेंटम आ गया इनके पास, तो पी आई तो वैसे ही जीरो है, और फाइनली एम के पास कितनी वेलोसिटी आ गई वी वन, और थ्री एम के पास कितनी आ गई वी टू। एक्स नॉट इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू, एक इक्वेशन ये रही, एक्स नॉट की वैल्यू तुम्हारे को वैसे ही पता है एक्स वन प्लस एक्स टू है ना, एक मैंने एनर्जी कंजर्वेशन से इक्वेशन बनाई और एक मोमेंटम कंजर्वेशन से बनाई। क्या मैंने ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बोला ये कॉन्सेप्ट है, अब इसको कॉन्सेप्ट डालो, मैंने क्या सिखाया है, पहले आपको कितना कंप्रेस्ड है कितना खिंचा हुआ है वो निकालना आना चाहिए, उसको निकालने के लिए आपने क्या लगाया एफ नेट जीरो, और जब एफ नेट जीरो होता है तो एम वन एक्स वन बराबर क्या होता है एम टू एक्स टू होता है। एक स्टेप नंबर वन, ये स्टेप नंबर वन था, ये स्टेप नंबर टू, ये थ्री, तीन इक्वेशन बनेंगे कि नहीं बनेंगी, इन तीनों चीजों से तीन स्टेप से आप कुछ भी सोल्व करके निकाल सकते हो, कौन से समझ में आया,
क्वेश्चन लिखिए अब। नहीं भाई, ये 2m एक्चुअल में क्या हो रहा है यहां, ये जो है ये वी नोट से इधर जा रहा है ये, और ये कह रहा है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन। ये एल नोट है यहां पे स्टार्टिंग में, ये नेचुरल लेंथ एल नोट है। फाइंड मैक्सिमम एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग, इन द स्प्रिंग दिस वन, और यहां पे आप बैठे हो इधर, आप यहां से देख रहे हो इसको, एक गाड़ी है, इस गाड़ी में आप यहां खड़े हो और ये आगे जा रही है 2V0/3 से, 2V0/3 से। लेकिन अगर मान लो मैं ये तुम्हें ना दूं, मेरे को ये सॉल्व कराना है, ये आपको निकाल के दिखानी, ये अभी तो मैं इजी कर रहा था क्वेश्चन को, लेकिन आप पहले इसको निकालिए। स्टेप सुनिए एक बार, सिस्टम चल रहा है भाई, ये वी नोट से इधर जा रहा है, पर मुझे इसका मोशन तो नहीं पता ना अभी। क्या तुम्हें लग रहा है कि इसके चलने से ये भी कुछ चल रहा होगा? लेकिन आप कब देखोगे? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। इसका मतलब तुम पहले ये देखना चाह रहे हो कि हमारा सेंटर ऑफ मास कितने से चल रहा है। VCM का फॉर्मूला बताना, M1V1 प्लस M2V2 बाय M1 प्लस M2, निकाल के दिखाना, करो। एक M है, एक 2M है, मास किस स्पीड से चल रहा है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या स्टेटमेंट दी थी, मैंने कहा था सेंटर ऑफ मास अगर 5 की स्पीड से चल रहा है तो बाद में भी 5 से ही चलना चाहिए, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए। मैं पहले ये देख रहा हूं कि मेरा सेंटर ऑफ मास किस स्टेट में है, मैंने VCM देखा, तो यहां पे लगाने के लिए M1V1 प्लस M2V2 बाय में M1 प्लस M2 है। तुम्हारे पास V1, मैं इसको 1 मान लेता हूं, इसका मास M है, इसका V1 कितना है 0, इसका M2 कितना है 2M, इसका V2 कितना है V0, M1 कितना है M, M2 कितना है 2M, सॉल्व इट, कितना आंसर आ रहा है 2V0/3। तो यहां से VCM कितना आ रहा है 2V0/3, दैट इज, क्या ये आप एक तरीके से पॉजिटिव देख रहे हो इसको? तो आप ये मान लो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास कहां जा रहा है, 2V0/3 से इधर जा रहा है। क्या आपने रिलेटिव मोशन नाम की कोई चीज सुनी है? अब देखो यहां पे रिलेटिव मोशन की सबसे सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, किसी को याद नहीं है तो रिकॉल कर लो। रिलेटिव मोशन में आप एक जगह से खड़े होकर देख रहे हो दूसरी चीज को, आप खुद चल रहे हो। अगर मान लीजिए मैं 5 की स्पीड से चल रहा हूं और तुम्हें देख रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुम 5 से इधर जा रहे हो, आया ना? मीनिंग क्या हुआ इस बात का? रिलेटिव मोशन में जो वेलोसिटी तुम्हारी है, जहां से तुम देख रहे हो, जिसको तुम देख रहे हो उसको वेलोसिटी दे दो पलट के। अगर मेरी 5 इधर है तो जिसको तुम देख रहे हो उसको कितनी दे दो, 5। इसका मतलब यहां पे अगर तुम देखो, मैं इसको एक तरीके से समझाने के लिए ऐसा बना रहा हूं कि अगर आप कहां बैठे हो, सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास कितने से चल रहा था, 2V0/3 से, बोलो ये वाली वेलोसिटी पलट के किसको मिलेगी, इसको भी मिलेगी, और ये वाली वेलोसिटी पलट के इसको भी मिलेगी। इसका मतलब ये कितने से चल रहा है, 2V0/3 से, और ये कितने से चल रहा है, ये क्या इसकी वी नोट तो पहले ही थी, पहले ही थी, अब इसके पास और क्या आ गई, 2V0/3। मैंने बोला है जहां पे बैठ के आप देख रहे हो, जितनी वेलोसिटी आपकी है, जिसको तुम देख रहे हो उसको पलट के दे दो। तुमने इसको देखा तो तुम्हें लगा ये भी 2V0/3 से उल्टा जा रहा है, तुमने इसको देखा तो ये वाली वेलोसिटी इसको भी मिल गई। ये स्टेटमेंट किस किसने सुनी है मेरे से, कि हर चलते हुए इंसान को लगता है कि वो रेस्ट पे है, एंड इट इज ट्रू। आप मोशन में हो तो हर मूविंग ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है जैसे वो खुद रेस्ट पे है। मैं इधर जा रहा हूं 10 की स्पीड से, मैं इसको देख रहा हूं, मेरे को लगेगा ये 10 से इधर आ रहा है। मैं इसको यहां पे बैठ के इसको देख रहा हूं, इसको भी लगेगा 10 से इधर जा रहा है। यहां बताओ कितना बचा, V0 2V0/3 या V0, तो एक वेलोसिटी इधर एक वेलोसिटी इधर, वेक्टर क्वांटिटी V0 - 2V0/3 कितना बचा, V0 3 बच गया। तो इसका मतलब ये इधर जा रहा है, कितने से जा रहा है, V0/3। अब देखो तुम्हारे पास इसकी वेलोसिटी भी आ गई, तुम्हारे पास इसकी वेलोसिटी भी आ गई, क्या तुम इसके अंदर मैक्सिमम एक्सपेंशन नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो, ट्राई करो। मान लो
कि मैक्सिमम जो एक्सपेंशन आने वाला है वो एक्स है, एक्स नोट है, और तब इसको सोल्व करो, करना सोल्व एक बार कितना आंसर आ रहा है। एक्स मान लो तो तुम्हारे पास कितनी है? अभी अभी कौन सी एनर्जी है तुम्हारे पास? काइनेटिक। ये कितने से चल रहा है? ये कितने से चल रहा है? तो इसका मतलब हाफ एम कितने से चला? 2v0/3 का स्क्वायर प्लस ये वाला कितने से चल रहा है? 2m v0/3 का स्क्वायर। क्या ये इनिशियल है? ये मैंने क्या लिखी है? ई आई। इसके पास ये एनर्जी है। जब ये फाइनली चला जाएगा, किस किस को ये समझ में आ रहा है कि जब ये फाइनली मैक्सिमम एक्सपेंड हो जाएगा तो ये रुक जाएगा? वही होता है एक्सपेंशन। अब इससे आगे जा ही नहीं सकता, ये यहां तक आ गया, इसका मतलब ये मैक्सिमम एक्सपेंड हो चुका है। इसका मतलब मैंने कितना मान लिया? यहां तक मैंने मान लिया, ये एल नॉट में कितना ऐड हो गया? एक्स। कितना एक्सपेंड हुआ? एक्स। तो कितनी एनर्जी स्टोर हो गई? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या ये डिब्बे वहां जाके रुक गए? रुक गए। ये भी रुक गया, रुक गया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई? स्प्रिंग एनर्जी। इसका मतलब यहां पे इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। सिंपल, निकाल सकते हो ना, सोल्व कर लो इसको। कितना आंसर आ रहा है? वी नॉट 2m/3 के, वी नॉट 2m/3 के एक्स की वैल्यू आ रही है यहां से। समझ में आया कि नहीं आया? क्या लगा रहा हूं बार बार? एनर्जी कंजर्वेशन। किसका यूज किया मैंने इसमें? सेंटर ऑफ मास फ्रेम का। और करिए ऐसे सवाल। यहां फोर्स लग रही है एफ। पहले क्या दी थी यहां पे? इस सवाल में क्या दी थी? वेलोसिटी। अब क्या दे दी? फोर्स। इसका मतलब अगर फोर्स है तो क्या तुम्हारा सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है? यस। करो ट्राई, सेंटर ऑफ मास फ्रेम की एक्सेलरेशन निकालो पहले। नेट एक्सपेंशन निकालनी है, सेम मास है दोनों का। फाइंड फाइंड नेट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग। कहां से स्टार्टिंग करी मैंने इसकी? मैंने बोला अगर फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन भी है। एक्सेलरेशन किसकी निकालनी है? सेंटर ऑफ मास की। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट होता है जहां पे सारा का सारा मास कंसेंट्रेटेड हो? इस पूरे सिस्टम का मास कितना है? कितना मास है इसमें? मैंने एम और एम दोनों अलग अलग दिए हैं क्या? एक स्मॉल एम है, एक कैपिटल एम है। क्वेश्चन में यूं का यूं बता रहा हूं, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम। बताना कितना आएगा? बोलो दुनिया की कोई भी फोर्स तो एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। और जब मैं ऐसा निकालूंगा तो क्या ये मैं सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं? अगर पूरा सिस्टम ए से जा रहा है तो मैंने मान लिया कि सेंटर ऑफ मास ए से जा रहा है, तो ए सी एम कितना आ गया? बोलो एफ बाय में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। मुझे बताओ क्या तुम्हारा पहले जो सेंटर ऑफ मास था उस क्वेश्चन में देखो, ध्यान दो, क्या वो 2v0/3 से चल रहा था? चल रहा था। तुमने वहां पे बैठ के देखा और उसके हिसाब से तुमने वेलोसिटी दी। अब मेरा सेंटर ऑफ मास कैसे चल रहा है? तुम यहां हो, तुम्हारी गाड़ी यानी कि तुम्हारा सेंटर ऑफ मास जहां पे तुम बैठे हो, क्या वो एक्सलेट कर रहा है इसे? और इस ए की वैल्यू कितनी है? एफ बाय में एम प्लस में एम। मुझे बताओ सब कुछ पलट के मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। अगर ये एक्सलरेशन ये है, इधर एक्सलरेशन है, सूडो किधर लगेगी? पीछे लगेगी। क्या यहां भी बनेगी? इसका मतलब इस पे सूडो फोर्स किधर लगी? मतलब मेरी एक्सलरेशन इधर है, मेरे को फोर्स किधर लगती नजर आएगी? पीछे। इसका मतलब वो फोर्स इसको भी मिली और वो फोर्स इसको भी मिली। इसका मतलब इसको कितनी सूडो फोर्स मिली बताना? एम इंटू ए। ए कितनी है? ये रही। कैपिटल एम इंटू ए कितना है? एफ बाय में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। आया ना? क्या ऐसे ही इसको भी सूडो मिलेगी? इसका एम में स्मॉल एम और ए कितना है?
एफ बाय में कैपिटल एम प्लस में स्मॉल एम। इजी लग रहा है क्या? मैं मान लूं ये एक्स वन चला गया, ये एक्स टू चला गया, एनर्जी कंजर्वेशन, फिर से करो ट्राई। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्या यहां पे ई आई बराबर ई एफ लग जाएगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां पे एक्सेलरेटेड आ गया, इसका मतलब यहां पे सूडो फोर्स लगी, और जहां सूडो फोर्स होती है वहां पे ई आई बराबर ई एफ नहीं लगता। मैंने क्या बताया था अभी? मैंने कहा था डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा के ई, ये पहली फॉर्म। दूसरी फॉर्म ई आई बराबर ई एफ कब लगती है? जब कंजर्वेटिव फोर्स हो, और डब्ल्यू अगर तुम्हारी सूडो आ जाए, तुम्हारी कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ जाए, तो डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव बराबर ई एफ माइनस ई आई। हाँ या ना? बना के दिखाना इक्वेशन। मेन काम कर दिया मैंने, देखो एसीएम निकाल लिया, मैं एक्सेलरेटेड सेंटर ऑफ मास पे बैठा हूं, मेरी एक्सेलरेशन इधर है, मेरे पे सूडो किधर लगेगी? वो इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी। इस पर नेट फोर्स कितनी लगी? एफ माइनस दिस फोर्स। इस पर नेट कितनी लगी? इतने। मान लो ये कितना डिस्प्लेस हो गया, एक्स वन, ये कितना डिस्प्लेस हो गया, एक्स टू। बस अकॉर्डिंगली सोल्व करके इक्वेशन बना के दिखाना। पोज करो भाई इनकी इक्वेशन। ये फोर्स है देखो इधर, ये कौन सी फोर्स है? इधर ध्यान दो सभी, ये कौन सी फोर्स है? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स ने इस डिब्बे को कितना डिस्प्लेस कराया, कितना काम किया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स इंटू, अच्छा इसने कितना, अच्छा ये नेट फोर्स निकालना पहले, यहां पे कितनी आएगी? एफ माइनस एम एफ बाय में एम प्लस में स्मॉल एम, है ना? एफ कॉमन आ गया, एम प्लस में एम माइनस कैपिटल एम एफ बाय में एम प्लस स्मॉल एम। ये सॉल्व किया, कुछ आएगा क्या? एम है ना, ये कट गया, तो इसका मतलब एफ बाय में एम प्लस एम। ये समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इस डिब्बे पे नेट फोर्स कितनी लगी? इतनी लगी। और उस पे कितनी लगी? मैंने क्या बोला अभी, मुझे इक्वेशन बनानी है, डब्ल्यू इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, दैट इज, है ना? बोलो वर्क डन किस किसने किया? इसने किया क्या करके, इतनी डिस्प्लेस करा के, बताओ कितना आया? एम एम एफ बाय में एम प्लस एम, ये आया इंटू एक्स वन। ये वर्क डन लिख लिया। इस फोर्स का भी लिखो, ये कितनी है? ये भी इतनी है, एम एफ बाय में कैपिटल एम इंटू एक्स टू। अब मुझे बताओ ई फाइनल माइनस इनिशियल, क्या स्टार्टिंग में जो था क्या ये नेचुरल लेंथ पे था? तो इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं है। उस वो डिब्बा कितना गया, ये डिब्बा कितना गया, टोटल एक्सपेंशन कितना हुआ, एनर्जी कितनी स्टोर हुई? हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के कितना एक्स स्क्वायर, एक्स वन प्लस में एक्स टू का होल स्क्वायर। खत्म इक्वेशन। कौन सा नेगेटिव आएगा? नहीं, दोनों वर्क बेटा, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है? जिधर फोर्स हो रही है। नहीं, आप वर्कडन को वो मत सोचो, वर्कडन इज अ स्केलर क्वांटिटी। इस फोर्स की डिस्प्लेसमेंट किधर हुई है? एंगल कितना बनेगा दोनों में? डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, फोर्स भी उधर, डिस्प्लेसमेंट भी उधर, थीटा जीरो, तो वर्कडन पॉजिटिव। इसका भी वर्कडन मैंने यहां इसको रखा, यहां से मुझे चाहिए क्या बताना एक बार, ये एक्स वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर है, क्या यहां से कॉमन आ रहा है? एम एफ बाय में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू, क्या ये हाफ के एक्स वन प्लस में एक्स टू का होल स्क्वायर, क्या ये कट गया? कट गया। चाहिए क्या? एक्स वन प्लस मुझे चाहिए कितना एक्सपेंशन हुआ, इसका मतलब यहां से एक्स वन प्लस एक्स टू निकाल सकते हो। तो कितना आएगा ये? एक्स वन प्लस में एक्स टू इक्वल्स टू क्या? टू एम एफ बाय में एम प्लस में स्मॉल एम इंटू के, दैट इज योर आंसर। समझ में आ रहा है? कैसा फ्रेम था ये? एक्सेलरेटेड फ्रेम। पिछला सवाल कैसा था? बिना एक्सेलरेशन के, उसमें जितनी वेलोसिटी थी पलट के मिल गई, यहां पे जितनी एक्सेलरेशन थी उसके हिसाब से क्या मिली? सूडो फोर्स मिले। देखा, सूडो फोर्स आते ही एनर्जी थ्योरम कैसे लगी? डब्ल्यू इक्वल्स टू ई एफ माइनस
ईआई ये है, इतनी है फिजिक्स, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी कितनी स्टोर हो गई, इतनी स्टोर हो गई। आसान लग रहा है? कोशिश करो ये चीजें समझने की कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सवाल कितना आसान हो जाता है। और जो ट्वेल्थ वाले और रिपीटर हैं, इसी सवाल को और कैसे कर सकते हैं, सोच के आना। दो तीन तरीके से सवाल हो सकता है। मान लो तुम्हारे को सेंटर ऑफ मास नहीं आता, फिर कैसे करोगे इसको? अकेली एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे कैसे सोल्व हो जाएगा? ये हो जाएगा सोल्व, बताना किस तरीके से सवाल हो सकता है। हाँ भाई बता, क्या बात चल रही है? हो सकता है ये, मेरे पास सिर्फ ये एफ है, कैस की एफबीडी में अगर ये एफ, मान लो मैं एक्स डिस्प्लेस कर रहा हूं इसको, है ना, अगर मैं उसको एक्स वन कर रहा हूं, इसमें कितना स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा? इसमें आ सकता है किसी तरीके से, देखते हैं ट्राई करके। इधर क्या है, के एक्स वन, इधर क्या लगेगा, के एक्स टू। अगर मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम, अभी फोर्स लग रहा है, एक्सलरेशन आ गया, एक्सलरेशन उधर आया, सुडो फोर्स इधर लगेगी, सुडो फोर्स इधर लगेगी ना, एम ए, वो ए निकाल लेंगे पहले, एक सुडो फोर्स इधर लग गई, एक एक्सटर्नल फोर्स ये रही, तो इस डिब्बे की एफबीडी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? कैसे, के एक्स टू इधर, एम ए भी इधर और एफ इधर, तो टोटल एफ यहां से आ जाएगी। इसका कितना आएगा वैसे, इसकी भी एफबीडी बनानी पड़ेगी, इसकी एफबीडी कितनी बनेगी, एम ए इक्वल्स टू के एक्स वन, वहां से एक्स वन एक्स टू अलग अलग निकलेंगे, दोनों जुड़ेंगे तब निकलेगा। आया समझ में? मैंने सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो सवाल किया है उससे कितना तरीके से आंसर आ रहा है, उसमें इस तरीके से आंसर नहीं आएगा। क्या सिखाया मैंने, टोटल एक्सेलरेशन उधर हो रही है, एम में इस पे भी लगेगी, एम में इस पे भी लगेगी, मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा, इसकी इक्वेशन बनाऊंगा, दोनों को सोल्व करूंगा, उसके हिसाब से एक्स वन एक्स टू अलग अलग निकाल के तब आंसर आएंगे। पंगे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सवाल करने की तरीके से सीख लो। आया समझ? और कोई तरीका नहीं। और एक और इसमें होता था, वो शायद क्वेश्चन अलग है, एक और करो, देखो 5 kg 3 kg के ब्लॉक है। आवाज नहीं भाई, कर सकते हो ट्राई? किस किस का दिमाग चल गया? एक स्टेप का क्वेश्चन है ये। क्या तुम्हें एसीएम निकालना आता है? एसीएम ये देखो इधर, ये एसीएम निकाला इधर, क्या तुम एसीएम निकाल लोगे यहां से? कितना आएगा फोर्स, कितना है 40, क्या होता था बाय एम आएगा, तो 5 और 3 8, तो ये 5 m/s² नहीं आ गई? आ गई। तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कैसे निकाला करते थे? एसीएम इक्वल्स टू m1a1 प्लस m2a2 बाय m1 प्लस m2। क्या तुम्हारे पास एक की एक्सेलरेशन है? ये पढ़ो इधर, 3 kg वाला कितने एक्सेलरेशन से जा रहा था, 2 से, इसका मतलब 3 वाले की एक्सेलरेशन है, पर a1 नहीं है ना मेरे पास, acm मैंने निकाल ली। सवाल पे समझ में आया? कि सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से चल रहा है, क्वेश्चन यही पूछा है इसने। यहां पे k की वैल्यू दी है 200 N/m, फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। या फिर ले लो इधर, ये इसको भी ले लो, ये 30 से जा रहा है इधर, और आसान हो जाएगा। क्या हुआ, वीसीएम बताओ सोल्व करके कितना आएगा? वीसीएम का फॉर्मूला क्या सीखा, m1v1 / m1 वीसीएम निकालो इसमें पहले। आ रहा बेटा समझ में? आदित्य बोल मत, टी आया आपका, आ गया। हाँ बेटे, वीसीएम निकाला है, वीसीएम कैसे निकालोगे, m1v1 m2v2
बाय एम वन प्लस एम टू। इसका मतलब जिसके ऊपर बैठ के तुम इस पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हो उसकी वेलोसिटी तुम निकाल रहे हो, कितनी आई 30। एम वन कितना है, ये रहा 2, 2 इंटू 30 प्लस 4 इंटू 60 बाय में 4 प्लस 2 6, कितना आ गया ये, हाँ जी 60 ये आ गया, तो 300 है ना, 50 आया, ये तो कहाँ माइनस आया, अच्छा माइनस आया, ये 60 था, ये वेलोसिटी माई, ये वाला माइनस आएगा ना, प्लस माइनस, तो कितना आ गया ये 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। सही है, वेलोसिटी, वेलोसिटी माइनस इधर कितने से जा रहा है, तो कितना आ गया ये। इसमें साइन कन्वेंशन के साथ चीजें बढ़ते हैं, बताया था 30 आ गया। अब बताओ ये 30 अगर तुम सेंटर ऑफ मास पे यहां बैठे हो है ना, और सेंटर ऑफ मास कितने से जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, बोलो ये वाली वेलोसिटी पलट के किसको मिलेगी, इसको भी मिलेगी और ये वाली इसको भी मिलेगी। इसका मतलब इसको 30 और मिल गई और इसको इसको 30 इधर मिल गई, इसका मतलब इसकी नेट कितनी हो गई 30 हो गई, इसकी कितनी हो गई 60 हो गई। क्या मैं मान लूं ये यहां से यहां चला गया, कितना एक्स वन, ये कितना मान लू एक्स टू। क्या मैंने इक्वेशन बनानी सिखाई थी, कितनी हो जाएगी फाइनल इक्वेशन, हाफ के एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर, और स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हाफ एम वन वी वन स्क्वायर हाफ एम टू, सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा यहाँ पे मेरे ख्याल से √54 के करीब आंसर आ रहा है, कर दोगे ना। सेंटर ऑफ मास बराबर तो टॉपिक शुरू होगा, पहले करेंगे इंपल्स और उसके बाद करेंगे कोलिजन। किसी ने पहले पढ़ रखा है प्लीज अपना रिवाइज करके आइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर। तुम्हारा फायदा ये होने वाला है 12th वालों का, अभी आगे जो तुम्हारे टेस्ट होंगे उनमें ये सारी चीजें आने, फिर रिवाइज करने बैठोगे। ये वाला टॉपिक आता है, पहले किया है कॉलिजन, ढंग से किया है पहले, जितना भी किया है रिवाइज करना इसको। कल भाई तुम्हारा